अरे री री मैं तो मरी रे मैं मैया कुर्तों में फसो ततैया। देख मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं तेरी ऑफिशियल वाइफ हूँ, मतलब मुझे ले चलेगा तो कोई रोक टोक ना होगी। अबे ले चल भाई दुबई, मैं गा गा के बुजुर्ग खलीफा हिला दूंगा उससे। अबे ओ बुजुर्ग खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। जा दरवाजा खोल। खोलूंगा, पहले तू बोल दुबई लेके जाएगा। मत खोल साले, मैं खुद खोल लूंगा। हाँ तो खुद खोल ले। अबे तेरी तो ऐसे ही खोल, मैं तो राजा बेटा हूँ, ऐसे ही बैठूंगा। ऐसा चप्पल मारूंगा ना मुंह पे। जी बताइए। हमारे नाम राजपंती है, वो हम सुन्नु बेबी जी क्या नई नई काम वाली लगे हैं। दुई ठोक प्याज दीजिए ना। प्याज देखिए हमारे पास भी ना दो ठो ही प्याज है, बड़ा संभाल के रखा है एकदम कलेजे के टुकड़े की तरह। आप ना एक ठो ले लीजिए, एक ठो से हम अपना पकौड़ी पकौड़ी बना लेंगे, है ना। अब वैसे तो प्याज के दाम सोने के भाव हो रखे, लेकिन सुनीता जी ने मंगाया है तो देना ही पड़ेगा। ये लो एक ठो। धन्यवाद। चलिए। हाय बिंदु भाभी। हाय जीजा जी। अरे हेलो सुनीता जी। हेलो सुनीता जी। राजवंती प्याज मिल गए? हाँ हाँ मिल गई, अभी अभी हमने दिए प्याज। सुनीता जी आपने बताया नहीं कि आपने अपने घर पे कामवाली रख ली। हाँ पिंटू भाभी, वो ना घर में इतना काम होता है कि पापा के लिए कितना काम करें तो रख लिया। आप नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया, आपकी मदद हो जाएगी। जी जीजा जी। जीजा जी लाजवंती को काम पे रखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वैसे हमारा नाम पंचम है और ये हमारी बीवी है पिंटू। आपको कभी भी कोई भी जरूरत हो, कुछ मदद चाहिए हो तो प्लीज बताइएगा। करनाम, वैसे हम तो आपको तकलीफ देते रहेंगे। जी जी हमार मतलब चावल आटा तो लगता ही रहेगा और हम भी आते ही रहेंगे। हाँ हाँ राजवंती, ये लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं, चावल चीनी दूध नमक प्याज जो लेना हो ना आराम से आके ले लेना। ओके। हाँ जी बेबी जी। हाँ यही आना, आप भी आती रहना। हाँ खैर, वैसे आपने बताया नहीं कि आप हैं कहाँ की? बनारस फरीदाबाद। आप दो जगह बता रही हैं? पैदाइश बनारस में भाई और जवान हम फरीदाबाद में भाई। अच्छा है भाई। लाजवंती चल आपकी गप्पे मारती रहेगी। राम राम बापूजी। बापूजी कौन है? अबे तू बापूजी, तुम बापूजी है। हाय दैया। बाय। हाय दैया। हाय दैया। मैं चपेट मारूंगा, चल खूंटे से खुल गई गैया। चल भैया। करो, अरे करो, अरे खाना ले आ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आज मैं खाना नहीं बनाने वाली हूँ। सुन कमर तेरी बढ़ रही है, खाना मेरा घटा रही है, तू किसको जी में? लाइची के पापा हर बात को घुमा फिरा के मेरे मोटापे पे ले आओ, मेरे तो भाग ही फूट गए। क्योंकि जीजा आज का खाना मैं बना रहा हूँ। तू खाना बना रहा है या मुझे बना रहा है? अरे जीजा सबर कबल खाना होता है। अभी तूने छटंकी का हाथ का जादू देखा कहा मेरी जान? अरे जादू तो ना देखा है तेरे हाथों का, लेकिन तेरे हाथ की सफाई जरूर देखी है मैंने। अरे यार जीजा ये बात गलत है यार तुम्हारी, मैं तुम्हारे लिए कोई खास तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी थोड़ी ना खिला दूंगा तुम्हें। यार फालतू की बातें कर रहे हो यार बच्चे। अबे तेरी तैयारी से ही तो मुझे डर लग रहा है। आज सुबह सुबह मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक साले ने अपने जीजा के खान में मिलाया जहर।
अरे जीजा आज के जमाने में चूहे मारने की दवाई से काम चल जाता, तुम्हें जहर मिलाने की क्या जरूरत है, फालतू की बातें कर रहा हो क्यों? छटंकी भैया क्या बोल रहे हो, मेरे तो भागी फूट गए। अरे जीजा मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी लेके आ रहा हूँ मेरी जान, अभी ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कम हो गया? खैर हमारा क्या जाना, जाएगा तो जीजा का जाएगा, हमारा क्या जाएगा? जल्दी ला। अरे तो लेके तो आ रहा है मेरी जान, तुम तो घबरा रहा लिए ले फर्स्ट क्लास। शेफ रहा है भैया ये। खा 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 खा। कैसा लगा बोलो बोलो। जी जी खुश कितना हो रहा है, खुशी के मारे इसके मुंह से तारीफ का एक अल्फाज ना निकल लिया, मैं तो ये कह रहा। अरे चटंकी भैया तुम्हारे हाथ की कहानी के स्वाद ने इनकी बोलती बंद कर दी। कैसा भौचक के होके देख रहे हम दोनों को। जय खा मेरा भैया, तू भी क्या याद रखेगा। खा चटंकी भैया इनाम दे रहे लगते। क्या कर रहे हो नीचे नाम दे। गिर गया। मेरा तो भाग ही फूट गया। क्या हुआ इलायची के पापा, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठे हो? तेरा भाई कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे, मेरे खाने में इतनी मिर्च भर दी उसने कि ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। इतने प्यार से तो नाश्ता बनाया था छटंकी भैया ने तुम्हारे लिए, और कोई कसर रह भी गई थी तो इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? और मेरे पेट में जो शोले भड़क रहे हैं वो 10 बार जा चुका हूँ, अब तक आग पड़ रही है पेट में, बता तुझे। देखो इलायची के पापा, छटंकी भैया ने कोई जानबूझ के ये सब ना किया है, हो गई होगी गलती से, अब तुम्हें सदा के उन्हें क्या मिलेगा बताओ? मिलना क्या है, बदला ले रहे हैं मुझसे, तुझे भगा के जो शादी की मैंने, अब वो मुझे भगाने की सोच रहा है। लेकिन मैं वैसा ना हूँ, बता रहा हूँ मैं उनमें से ना हूँ, अरे मैं मैदान में डट के रहने वालों में से हूँ। इलायची के पापा भी ना बड़े चिड़चिड़े हो गए आजकल। क्या है ये? तू जो जवानी से भरी, तुझे देख मन ना भरता, तेरे प्यार में पगला आशिक, आज भी मन भर रोता। विनोद हाय राम, मेरे तो भाग्य फूट गया। आ, क्या ठंड है भैया। पतीला भी ठंडा है। अरे करो करो। हाँ। अरे चाय ले आ जल्दी, ठंड है बहुत। ये लो इलायची के पापा चाय, और पेट ठीक है ना तुम्हारा, खा लोगे ना मठरी? कैसी बातें कर रही है तू, देख औरत के पेट में कुछ पचे ना पचे लेकिन मर्द सब कुछ हजम कर लेता है, समझ रही है? जी नहाने गए होंगे। ओ तू रेडी है? हाँ तू? हाँ मैं भी रेडी हूँ, पर ना थोड़ा सा गला बैठ रहा है। अबे ओ, जो गला बैठा है ना उसे खड़ा कर ले, क्योंकि मुझे गाना वाना नहीं आता है, अब तुझे मेरी नैया पार करके दुबई तक पहुँचानी है।
समझ गई ना, सिखाना। वैसे लू ऐसा नहीं लग रहा कि तू तो कोई मूवी की हीरोइन है और मैं तेरी प्लेबैक सिंगर। बस कुछ ऐसा ही समझ ले। सुनना, ऐसे सुर लगाइयो कि जीजा जी ना खिंचे चले आए। ओके ओके, वरी नॉट। इलू सबसे बेस्ट गाने वाली सेल्फी। चल मैं अंदर जा रही हूँ, ऑल द बेस्ट। इलू 1 2 3 पे गाइयो। हाँ, गुड लक। गुड लक। 1 2 3 शुरू हो जा। क्या बात है, क्या बात है लाजवंती जी, क्या गाया है आपने, क्या आवाज है आपकी, मतलब सरस्वती माँ का आशीर्वाद है आप पर। बाबूजी अब हम कहाँ कहें, वो तो सब हमारी बगल वाली की कृपा बा। जी जी, हमार मतलब हमार प्रभु अकल माँ बगल माँ पूरे संसार माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं प्रभु ने तो आपको कूट कूट के हुनर दिया है। जी वो तो हमको पता है। बाबूजी हम आपको बताएं, हमारे गांव में ना सब हमको सुर को कीला बुलावत है। वो क्या है ना, जो भी हमारा आवाज सुन ले ना, वो चाय में चीनी घोलना भूल जावत है। क्या बात है, नहीं नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल हो सकता है और हम बिल्कुल मान सकते हैं इस बात को। क्या आवाज है आपकी, बहुत खूब। आप वैसे हम आपसे एक बात पूछना चाहते थे, मतलब कहें अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ओ बाबूजी, हमारा हाथ ना मांग ले। नहीं नहीं, हमार मतलब बाबूजी वो कहा है ना, कई लोग हमार उंगली पकड़ने के बहाने हमारा हाथ जकड़ लेते। अरे नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, वो हम दरअसल आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारे साथ पार्टनर बनेंगी। हे भगवान। नहीं नहीं आप, नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या आप हमारे साथ दुबई में हमारी सह गायिका बन के चलेंगी। देखा तूने, कहता बावला हुआ है, इसे दिखना ले यार कि नीचे एक औरत भी बैठी हुई है। मैं अभी इसकी सारी गर्मी उतार के आता। अरे रहने दो इलायची के पापा, गुस्सा मत करो। तू समझ ना रही है बिल्कुल, आज मुझे उतारने। एक मिनट, इलायची के पापा क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो? कल दे, कल के दिन वो इलायची के सामने ऐसे निकल आया तो तेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, बता दिया मैंने। अरे छोड़ो, जाने दो, जाने दो। तू समझ तो, मैं गुस्सा ना होऊंगा, मैं एक बार उसे टोक के जरूर आऊंगा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करियो, तू रुक जा। एक मिनट इलायची के पापा, एक काम करो, मटरी खा लो फिर चले जाना। हां ये लो खाओ। चाय दो, एक साथ खा जाऊंगा क्या, रख तो दे। सारे खा लो, मैं भी आता हूं, रुक जा। इलायची पापा, खान खान। वी माँ, हमार दाल चल रही, हम जात रही। हम दुबई साथ जात रही, गाना गात। बर्तन सिर जी पंचम, बर्तन बर्तन बर्तन, मैं यही कहूंगा, बोल क्या कर लेगा तू। और ये क्या ही है, मानव की तरह अपना अंग प्रदर्शन कर रहा है तू, और तुझे तमीज ना है बिल्कुल। नीचे करू बैठी थी उसके सामने तू नंगा ही दौड़ लिया, देख ये बदतमीजी मत फैला मेरे आंगन में, बता रहा हूँ मैं तुझे। सॉरी सेठ जी, हमसे गलती हो गई, दरअसल क्या है ना सेठ जी, छत से ना किसी की मधुर आवाज आ रही थी और हमने यहाँ खींचे चले आए। और मैं खींच कर दूंगा वो, ये तो देखा कर आस पास कौन है, ऐसा नंगा दौड़ा जैसे कोई खजाना हाथ लग रहा तेरे। सेठ जी उनकी आवाज किसी खजाने से कम नहीं थी, क्या बताएं सेठ जी, ओफो मजा आ गया सुन के, मतलब आपको पता है वो कौन सा गाना गा रही थी, सत्यम। अबे रेडियो बज रहा होगा, लता जी ना आ रही है तेरे सामने ऐसे लाइव गाने बात कर रहा है बेकार की। नहीं नहीं सेठ जी, दरअसल क्या है कि सुनीता जी के यहाँ ना नई नौकरानी आई है लाजवंती जी, क्या गाती है सेठ जी, और हमने उनसे दुबई जाने के लिए भी बात की है हमारे साथ सह गायिका बन के, और आप तो चाहते ही है ना कि हम दुबई जाएं। चाहता तो हूँ भाई, मेरे 40% का जो सवाल है। नहीं नहीं 50%। अरे कितना ईमानदार है तू, 50% ठीक है। और सर जी आगे से ध्यान रखियो, ऐसे मेरे बाथरूम से ऐसे नंगा मत निकल के दौड़ियो, समझ रहा है, अगर अगली बार दौड़ा ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी ना सकता है। जी सर जी, नहीं दौड़ेंगे ऐसे, सॉरी माफ कर दीजिए। सर जी, ये लड़की तो कभी भी अपनी सुरताल छेड़ देगी, तो तू जहाँ जिस हालत में होगा उसी हालत में भाग लेगा क्या? हाँ, हाँ, नहीं नहीं हाँ, और एक बात और ध्यान रखियो जी,
तीन चार सोने के बिस्किट भी अपने बैग में डाल लियो, ठीक है? सोने के बिस्किट चाहिए इन्हें, हैं? क्या बात है? हाँ, एक बात तो है यार, तेरे हाथ में ना जादू है, जादू। तू और छोटे जो है कमाल की मालिश करते हैं, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों जो है सिर्फ मालिश करने के लिए ही इस दुनिया में आए हो। छेड़ जी, अपना अपना टैलेंट है गुलर खा के। तुम्हारी कंजूसी और हमारे हाथ की मालिश का मुकाबला कोई ना कर सकता। सुन, तू अपनी तारीफ कर रहा है या मेरी बेइज्जती? तुम्हारे मुंह में गूल है। अरे यार, मैं यहाँ हड्डी निचोड़ के मालिश कर रहा हूँ, तुम तारीफ और बेइज्जती के जाल में उलझे पड़े हो। बेइज्जती? अरे अरे कंजोटे, तुझे पता है ना, चश्मे के बगैर मुझे कुछ ना दिखाई देता। तू ना चश्मा उतार लिया यार। अरे यार, अरे क्या क्या है ये, क्या लगा दिया तूने ठंडा ठंडा? सेठ जी, तुमको पता है ये क्या है और क्यों लगाया जाता? क्या है और क्यों लगाया जाता बता दे तू। तुम्हारी आंखों के नीचे जो काली काली कटोरियां हो गई है ना, ये सब कम हो जाएंगी। इसको आइस पैक बोलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। क्या बात है यार, क्या गाना गाया लाजंती जी ने, मतलब कमाल। जीजाजी, 500 का चेंज होगा, अर्जेंट चाहिए था। हाँ हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये लीजिए। थैंक यू जीजाजी। वेलकम सर। तो मैं चलूँ? जी ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। आप गई नहीं? अब बस जा रही हूँ मैं। ओके जी, बाय बाय। आप सुनीता जी? हाँ जी। आप, दरअसल क्या है कि हमें आपसे एक बात करनी थी। हाँ, तो वही तो करने आई हूँ मैं। जी जी। अच्छा सुन खतोड़े, काम की बात सुन। वो मेरी दुकान पे है ना सप्तम, उसे एक लड़की मिल गई है गायिका, जो दुबई जाने के लिए तैयार है। क्या बात कर रहे हो कूलर खा के? मैं जल्दी उसके दुबई जाने का इंतजाम करता हूँ। अरे वो तो ठीक है यार, वो तो दुबई निकल लेगा, मेरी दुकान के लहंगे कैसे निकलेंगे, मेरा मतलब है कैसे बिकेंगे। अब बता दुकान पे कौन बैठेगा, हो गया ना मेरा नुकसान। सही कूलर दे रहे हो मुँह में। तुम पंचम से पहले 40% की बात कर चुके हो। 40 ना, 50। फिर किस बात के लिए दुखी हो रहे हो कूलर खा के? मैं तो कह रहा हूँ। एक मिनट रुको जरा। हाँ हेलो 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 है, अरे नेटवर्क ना आ रही है, सो मैं नुक्कड़ पे आता हूँ। हेलो यार, ये भी चला गया यार, ऐसा अच्छा तो लग रहा है, ठंडा ठंडा, ये सही चिल लगा इसने। क्या बोल रहा था ये, कुछ आइस, क्या आइस, क्या आइस, अरे आ गया तू, बहुत बढ़िया। चल बढ़िया है भैया, अच्छा लग रहा है। अरे आराम से कर यार, नस, अरे सुन तो नस कर जाएगा, अरे मारेगा क्या, अरे मार डालेगा क्या मुझे। और जीजे हो गई मालिश? थप्पड़ कैसे मारा? कैसे मारे? ऐसे मारे। अरे पाउडर तो रखा कर। और इलायची कैसी है? अरे भाई साहब, वो बिट्टू हलवाई की दुकान का।